हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अ क्लास ऑफ एस वाई बी कॉम फोर्थ सेमिस्टर अवर टॉपिक इज रेडमशन ऑफ डिबेंचर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री प्रॉब्लम इज सोल्यूशन इसके पहले इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर वन टू आई बटन में चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां चेक करें इंट्रोडक्शन के बिना सम ना करे फिर से रिक्वेस्ट स्टूडेंट से विदाउट इंट्रोडक्शन टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री रडम्पशन इन लॉर्ड्स या इंस्टॉलमेंट आज का जो सम लिया है हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू में हमने लमसम मेथड किया था आज हम रेडम्पन इंस्टॉलमेंट में करेंगे क्वेश्चन है वसुंधरा लिमिटेड हैज सिक्स थाउजेंड एट परसेंट ऑफ हंड्रेड ईच सिक्स थाउजेंड शेयर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें इट कम्स टू सिक्स लैक ड्यू फॉर रिडम्शन इन फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट देखो फोर इंस्टॉलमेंट में आपको ये छ लाख ,00 रुपया बांटना है ठीक है फिर ये इंस्टॉलमेंट जो आप पेमेंट शुरू करेंगे रिडम्पशन शुरू करेंगे इट विल बी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन से स्टार्ट करना है डी आर आर है बैलेंस ऑफ सेवेंटी थाउजेंड यहां पे डी आर आर का ऑलरेडी बैलेंस है वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं हमारा फेस वैल्यू अभी हमने बताया फेस वैल्यू छ लाख है तो छ लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका डी होता है तो ऑलरेडी डी में सेवेंटी थाउजेंड तो है तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट निकाल के चेक करना है टोटल कितना आ रहा है फिर उस टोटल में से ये बैलेंस सत्तर हजार माइनस करना है तो जो बैलेंस माइनस करने के बाद जो आएगा उसकी आपको गारंटी पास करनी है क्योंकि डी आपको हर साल मेंटेन करना होता है और यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डी से ही आपका पूरा पेमेंट होगा यानी आपका जो छः लाख का जो पेमेंट करना है आपको डी मेंटेन करके करना है ठीक है फिर है पा देंट्री द कंपनी कंप्लाइड रिक्वायरमेंट रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन थर्टी अप्रैल टू ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है फिफ्टीन का अब क्वेश्चन नंबर वन और टू में फिफ्टीन परसेंट हमने निकाला था क्योंकि वो लमसम मेथड था तो आप डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आपका जो रिडम्पशन वैल्यू छः लाख है तो आप डायरेक्टली छः लाख पे पंद्रह टक्का निकाल सकते थे मगर ये सब इंस्टॉलमेंट का है यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट चार साल में आपको डिवाइड करना है छः लाख को चार साल में डिवाइड करेंगे तो वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी इस तरह से आपको चार इंस्टॉलमेंट में बांटना है तो यहाँ जो डी आर आई यानी डिबेंचर एडमशन इन्वेस्टमेंट आप मेंटेन करोगे वो रहेगा वन लैख फिफ्टी पे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट होगा वैसे जैसे आपको डी आर आई करनी है यानी डी आर आई आपको याद रखना है मैंने क्वेश्चन में वन टू में इन्फॉर्म किया था कि आप पूरा लमसम कर रहे हो तो लमसम पे डी आर आई आएगा डायरेक्टली तो छः लाख पे फिफ्टीन परसेंट आता मगर यहाँ पे फोर इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो आपका जो इंस्टॉलमेंट नंबर वन है आ, मेरे ख्याल छः लाख को चार से डिवाइड को वन लाख फिफ्टी था तो वन लाख फिफ्टी के ऊपर डी आर आई फिफ्टीन परसेंट होगा पंद्रह टका और डी आर आई हमेशा रिडम्पशन के साल के एक साल पहले आपको मेंटेन करना होता है यानी आपको बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट करना होता है इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ये इम्पोर्टेंट है रिडम्पशन के अंदर डी आर आई और डी आर आर तो होप सो डाउट नहीं हो आपको सोल्यूशन जनरटी पास करनी है हेडिंग दे देते हैं वसुंधरा लिमिटेड की जेनरटी पास करेंगे हम लोग पहले कैलकुलेशन देख ले सिक्स लैख आपका ये अमाउंट आया था तो सिक्स लैख को फोर इंस्टॉलमेंट आप डिवाइड करें वन लाख फिफ्टी तो डीआरआई मैंने बताया डेढ़ लाख पे निकालना है ठीक है ये फर्क है आपका लमसम इंस्टॉलमेंट में लमसम होता तो डायरेक्टली मैं छह लाख पे निकालता फिफ्टीन मगर ये इंस्टॉलमेंट आ गया है इस वजह से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिफ्टीन परसेंट निकालना इट कम्स टू ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड और डी की एंट्री सबसे पहले आएगी क्योंकि आपको एक साल पहले करना है तो एक साल पहले यानी थर्टी अप्रैल दो को आपको डी आर की एंट्री पास करनी डी आर टू बैंक ट्वेंटी आफ्टर डी आर आई आपको आपका रिडम्शन ईयर स्टार्ट करना है यानी फॉर थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह तो रिडम्शन ईयर स्टार्ट करने से पहले आपको आपका डी आर आर मेंटेन करना पड़ेगा और डी डीआरआर क्या बोला था आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहाँ नीचे कैलकुलेशन देखे तो छे लाख आपका एक्चुअल अमाउंट जो रिडीम करना है छे लाख है छह लाख पे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम्स टू वन लाख फिफ्टी तो टोटल डी आर आर आपको डेढ़ लाख मेंटेन करना है मगर ऑलरेडी आपके पास बैलेंस सत्तर हजार है तो बचा कितना बच्चो अस्सी हजार माइनस करेंगे तो इस साल जो डी आर आर आप मेंटेन करोगे वो अस्सी हजार की एंट्री आएगी पी एन एल टू डी आर आर एटी थाउजेंड ठीक है इसको याद रखना अगर ये बैलेंस नहीं दिया होता तो ये वन लाख फिफ्टी ही रहता तो आपको टोटल डी आर आर आपने बता दिया वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी कैसा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ये आपकी थेरी है डी आर आर ट्वेंटी फाइव परसेंट और डी आर आई फिफ्टीन परसेंट ये थे हमेशा याद रखें ठीक है डी आर आर हो गया ठीक है अब हम हम इसको पेमेंट करना शुरू करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार तेरह को इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करो डी रिडम्शन का अमाउंट जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी हमेशा दो एंट्री आती है पहले ड्यू फिर पेड तो पहले ड्यू में इंफॉर्मेशन देते हैं भाई कितना पे इंस्टॉलमेंट बनाया था मैंने आप उन्हें वन लाख फिफ्टी का यहाँ देख लो छ लाख डिवाइड बाई चार यानी वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी का चार इंस्टॉलमेंट बनेगा तो डिबेंचर टू तो डिबेंचर वन लाख फिफ्टी पहले में अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन फिर आप इसको पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन पेड पेड पहले में ड्यू ड्यू है 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 अब ये क्या हो रहा? हो रहा रहा अमाउंट विल रिमेन सेम तो इस तरह से आपका साल मुकम्मल हुआ। अब में आते। आपको फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जैसा डिटेल होगा उस हिसाब से करेंगे यहाँ पे मेरा ट्वेंटी कवर परसेंट कवरअप यहीं पर हो गया तो आगे की एंट्री नहीं आएगी आप डायरेक्टली आप डिबेंचर को पेमेंट करेंगे यानी ये दो एंट्री आप पास करेंगे तो पहला इंफॉर्मेशन डिबेंचर डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू तो बैंक खाली देखो साल बदल रहा है दो हजार से दो हजार पे आ गए अब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हुआ क्योंकि हर एक का इंस्टॉलमेंट फिगर सेम है डेढ़ लाख तो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका 2013-14 2015 को थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट में सेम एंट्री आएगी एट परसेंट डिबेंचर डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर टू बैंक वन लैक फिफ्टी अब बच्चों आपका तीन इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हुआ अब चौथा इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट ईयर 2016 की एंट्री पास करेंगे लास्ट ईयर में एंट्री पास कर रहे हैं डी सबसे पहले इनकैश करना होता है लास्ट ईयर में तो वो एंट्री पूरी मुकम्मल देख लेते हैं यहां पे तो यहां पे अब एंट्री पास करेंगे पहले डी आर करेंगे दो में 31 मार्च बैंक टू डी आर जो आपने पहली एंट्री पास की थी वो एंट्री पास करेंगे अब आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं सेम एंट्री आएगी डिबेंचर डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर टू बैंक पहले ड्यू फिर पेड तो आपने देखो चार इंस्टॉलमेंट कर दिया थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है सारा पेमेंट हो गया और बच्चो रिडम्शन डिबेंचर का सम लास्ट करना है तो लास्ट में एक एंट्री पास करनी होती है आपकी टोटल डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना आपने डीआरआर की यहां पे एक एंट्री पास की और ऑलरेडी आपके पास सत्तर हजार का बैलेंस बताया था तो क्वेश्चन में और वैसे भी टोटल डीआरआर यानी ऑफ योर एक्चुअल अमाउंट तो छह लाख का ट्वेंटी और ये एट्टी थाउजेंड है प्लस करेंगे तो भी वन लाख फिफ्टी तो लास्ट एंट्री आपकी डी आर आर टू जनरल टोटल ऑफ यूर डी आर आर तो डी आर आर का टोटल एंट्री पास करनी है आपको यहां पे वन लैख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी कैसे आया एट्टी थाउजेंड यहां से और सेवेंटी थाउजेंड ओपनिंग बैलेंस तो इस तरह से आपका सब मुकम्मल हुआ क्वेश्चन नंबर आज हम कंप्लीट किए इंस्टॉलमेंट मेथड में था आपका यहां पे तो आपको ईयर वाइज करना है और अगर लमसम होता तो आप डायरेक्टली पास कर सकते हो ये ईयर ये वाइज का हेड नहीं है उसमें ठीक है लमसम और इंस्टॉलमेंट में आपको जो हेडेक लेना है वो पहली बात तो डीआरआई का 15 परसेंट तो पहला इंस्टॉलमेंट का आप डीआरआई मेंटेन करोगे इंस्टॉलमेंट में और अगर लमसम रहेगा तो डायरेक्टली एक्चुअल फीगर जैसे यहां पे एक्चुअल फिगर छह लाख का पेमेंट था तो छे लाख पे आप फिफ्टीन परसेंट निकालते तो इस चीज को आपको समझना है ठीक है होप सो यहां तो कोई डाउट ना हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू